इसको हम लोग आज ना ऐसे ही पकाएंगे, बाद में दिखाएंगे आपको कि बना कैसा ये। लेग पीस देखो कितने मोटे मोटे हैं, ये देखो। चलिए दोस्तों लगभग 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, 10-15 मिनट तो देखते हैं अभी। ओए होए 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 होए, देखो यार देखो क्या खुशबू आ रही है, ये देखो ये चीज़ देखो क्या लग रही है, कथी जहर। ये वाला काम हो गया है आज। और ये लेग पीस देखो यार, आ जा भाई, ये देखो क्या क्रीम चढ़ी हुई है यार इन पे। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। सॉरी यार, माफ़ करना, बहुत दिनों के बाद आजकल मैं वापस आ रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग ला रहा हूँ। मतलब तो एक्चुअली बात ऐसी है ना, आपको बताया था कि काम पे लगा हूँ 9 to 5, वैसे जाना घर पहुँचते पहुँचते 5:30-6 बज जाते हैं, कभी कभी 6 कभी 5:30। तो उसके बाद में फिर नहा के अभी फ्रेश हुआ, तो ऐसा ऐसा चल रहा है। उसके बाद में आजकल आपको पता है कि अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो फिर क्या वीडियो बनानी है ना। अभी मैं हूँ घर में, अभी 6:30 ऐसे टाइम हो रहा है। तो आज का भी वैसा ही शेड्यूल था, 9 से 5 काम पे, 5:30 यहाँ पहुँचा, उसके बाद में नहाया, वैसे वैसे करते 6 बज गए। तो अभी 6 बजे मैंने सोचा क्या वीडियो बनाऊँ, मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ बना के डाल देता हूँ। मुझे पता है आप लोग मिस कर रहे होंगे, मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ यार। वो बस घर में आपको पता ही है क्या होने वाला है, कुकिंग होने वाली है, कुकिंग चिकन होने वाला है। तो चिकन जो है दोस्तों वो पालक वाला हम लोग बनाने वाले हैं, पालक चिकन साथ में बनाने वाले हैं। तो आप लोग देखिए कैसे कैसे मैं वो चीज़ बनाता हूँ और देखना कि कैसा बनता है, ठीक है। आपने शायद पहले देखा होगा, एक बार मैंने बहुत पहले बनाया था, आउटडोर कुकिंग करी थी। तो अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि आउटडोर कुकिंग करता हूँ, उससे क्या होता है क्वालिटी भी अच्छी आती है, लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ अभी, समझ रहे हो ना। तो कुछ दिन की बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, उसके बाद में फिर आउटडोर कुकिंग भी लाएंगे आपके लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों चिकन, चिकन के लेग पीसेस भी है। तो चलिए जल्दी से कुकिंग करते हैं। जो जो सामान चाहिए है ना दोस्तों, वो फिलहाल आ चुका है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। ये आ गया पालक जो कि मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये देखो। और ये आ गया प्याज, बाकी लहसुन, और इसमें आ गया मसाला। आपको पता है आजकल चूल्हे पे चल रही है लकड़ियों के जोरों पे, तो अभी क्या है ना कढ़ाई रखते हैं और कुकिंग जो है वो चालू करते हैं अपनी फटाफट से। तो चलिए दोस्तों, कढ़ाई जो है ना एकदम अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो अभी इसमें डालते हैं ऑयल। जो है एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें ये डाल देते हैं धनिया। मैंने दोस्तों वो भून चुका है, तो अभी इसमें आ गया ये थोड़ा सा जीरा, ये प्याज, अगी देगी मिर्च, लहसुन की कलियां साबुत, हल्दी, ये जी ऊपर से नमक। इसको हम लोग आज ना ऐसे ही पकाएंगे, बाद में दिखाएंगे आपको कि बना कैसा ये। लेग पीस देखो कितने मोटे मोटे हैं, ये देखो। पहले इसको जरा पका लेते हैं ऐसे ही। छोटा सा इसमें पानी डाल देते हैं ताकि चिपके ना, ये ढक देते हैं जरा। दोस्तों 5-7 मिनट इसे पकते हुए हो गए हैं ढक्कन लगा के, तो आधा तो कुक हो चुका होगा। तो अभी क्या करते हैं, ये पालक ग्राइंड करा हुआ इसमें डाल देते हैं, थोड़ा इसके साथ में पक जाएगा ये। देखो अभी से देखो क्या लग रहा है, रंगत आ गई एकदम से। चलो इसको पहले पकाते हैं ना, देखते हैं पक्का, मुँह में पानी आने वाला है आज सबके, मेरे में तो अभी से आ रहा है। चलिए दोस्तों लगभग 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, 10-15 मिनट तो देखते हैं अभी। ओए होए 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 होए, देखो यार देखो क्या खुशबू आ रही है, ये देखो ये चीज़ देखो क्या लग रही है, कथी जहर। ये वाला काम हो गया है आज। और ये लेग पीस देखो यार, आ जा भाई, ये देखो क्या क्रीम चढ़ी हुई है यार इन पे। सच में मुंह में पानी आ गया मेरे तो, आप बताना कैसा बना यार ये, कैसा लग रहा है वो, ये देखो
अरे यार क्या बात है, मैं तो बहुत बेताब हुए जा रहा हूँ यार इसको खाने के लिए। ये पक चुका है तो इसको क्या करते हैं ना, अभी उतार देते हैं चूल्हे में से, एकदम मीठे मीठे सेक से ना ये बना है। तो रंगत भी देखो यार क्या निखर के आई है, देखो आया एकदम गाड़ी गाड़ी थिक थिक ग्रेवी देखो। चलो उतारते हैं इसको जरा नीचे यहाँ पे दोस्तों, डालते हैं फटाफट से थाली में चावल और फिर वही खाना शुरू करते हैं। मेरे से तो सच बोलूं रहा नहीं जा रहा है। चावल आ चुके हैं, एक पीस को डालते हैं प्लेट में, प्लेट में नहीं सॉरी थाली में। आ जा भाई आ जा। दोस्तों ये आ चुके हैं जी चिकन प्लेट में, ये पालक चिकन और साथ में चावल। चावल मैंने फिलहाल अभी थोड़े लिए हैं, बाद में और डाल लूँगा अगर चाहिए होंगे तो। तो देखो यार ये देखो लेग पीस बहुत गर्म है, ये देखो और ग्रेवी देखो ये वाली पालक की। तो चलिए ऐसा करते हैं ना पहले कि ग्रेवी चेक करते हैं, ये ग्रेवी चेक करते हैं पहले दोस्तों कि बनी कैसी है यार। क्या बोलूं यार क्या बोलूं, सच में एकदम गजब बनी है। आपको देख के शायद अंदाजा लग गया होगा कि कैसी बनी है ये चीज, बहुत गजब बनी है। हाँ चावल के साथ में चेक करते हैं कि कैसी लगती है ये बाइट, ये तृप्ति ऐसे बोलते हैं तृप्ति होगी, हाँ वो बात हो रही है आज। क्या बनी है यार ये चीज़, बहुत गजब। तो ये लहसुन जो जो डाली है ना साबुत कलियाँ ये ये तो चार चांद लगा रही है सही में। बारी ने दोस्तों वो रहती है चिकन और चावल की, तो जरा ये पीस और साथ में चावल चेक करते हैं इतने से। ये दोस्तों बाइट, तो अब जो बारी आती है दोस्तों वो आती है इस चिकन की, चिकन की मतलब चिकन लेग पीस की। यार कि ये कैसा बना है, पका कि नहीं पका है, बाफ देखो कैसा आ रहा है ये देखो। एकदम जूसी है, जूसी बहुत गजब बना है, पूरा पक चुका है।